Hello students, in our previous video we have started revision of environment subject for our upcoming exams. In our previous video we have done question number 1 and 2 according to paper style. Now in this video we are going to practice question number 3, which is write true or false. So let's start. Write true or false for 6 marks. The first one is, there are rivers in each village. Is it right? क्या हर गांव में हर विलेज में रिवर्स होती हैं? No, it is wrong. It is false. Next, aquatic creatures die due to water pollution. हमने अपने चैप्टर रिवर में रिवर्स जर्नी में पढ़ा था कि जब रिवर ओरिजिनेट हो रही है माउंटेन से, तब वहाँ पे बहुत सारी फिशेस थी. जैसे जैसे रिवर जो है अपनी जर्नी करती है, जैसे जैसे वो सिटी तक पहुँचती है, वहाँ पे क्या है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज और बिल्डिंग्स वगैरह है वो अपना वेस्ट जो है वो ऐसे ही रिवर में छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि एक्वेटिक एनिमल्स जो थे वो मर जाते हैं. तो जो फिशेस थी वो वहाँ पे उस एरिया में बिल्कुल ज़ीरो थी. तो उससे हमें ये पता चला था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं वो वाटर पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं. तो इट इज़ ट्रू. इफ़ वीड्स आर नॉट रिमूव फ्रॉम द फील्ड द हार्वेस्ट बिकम लेस. यस, ट्रू है ये. हमने चैप्टर राजू उस फार्म में पढ़ा था कि जो उसके फादर है वो एक फार्मर है और वो फार्मिंग करते हैं, और जब वो सीड सो करते हैं सॉइल में तो उसके 20 डेज के बाद स्प्राउट्स आते हैं, और वो जो धीरे धीरे जो स्प्राउट्स है वो छोटे छोटे प्लांट्स हो बन जाते हैं, और उन प्लांट्स के साथ साथ अलोंग विथ डेट प्लांट्स सम ग्रास भी निकल के आते हैं, उसमें से उग जाते हैं, जिन्हें हम वीड्स कहते हैं. अगर उन्हें टाइम पे नहीं रिमूव किया गया तो क्या होगा कि जो हम हमारी क्रॉप को जो फर्टिलाइज़र और जो पानी वगैरह डाल रहे हैं वो क्रॉप को जाने के बदले जो वीड्स हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसकी वजह से जो हमारा हार्वेस्ट वो बिल्कुल कम होगा. तो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है. नेक्स्ट वन, ओनली एनिमल्स आर यूज्ड टू प्लग फील्ड्स. नो, इट इज़ रॉन्ग. आजकल क्या है कि ट्रैक्टर्स और दूसरे जो है व्हीकल्स वगैरह भी यूज होने लगे फील्ड को प्लग करने के लिए. तो इट इज़ फॉल्स. कैरोट ग्रोज इन विंटर. यस, अभी अब विंटर सीजन गई है और आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में बहुत सारे कैरोट्स आए होंगे. क्यों? क्योंकि वो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं. इट इज़ ट्रू. वैशालीज मदर सेल्स वेजिटेबल्स. क्या वैशाली की मम्मी सेल्स वेजिटेबल सेल्स करती थी? नो, जो उसके फादर थे वो वेजिटेबल सेलर थे. वैशालीज मदर इज नॉट अ वेजिटेबल सेलर. फॉल्स. नेक्स्ट, बर्ड बिल्ड्स नेस्ट बिफोर लेइंग एग्स. बर्ड्स अपना नेस्ट एग्स देने के पहले बनाती है. यस, इट इज ट्रू. बर्ड्स अपना नेस्ट जो है वो बिल्ड करती है और उसे बनाती है, और उसके बाद क्या करती है उसमें एग्स ले करती हैं, और फिर उनको फिर जब एग्स हैच होते हैं तब उसमें से छोटे छोटे चिक्स और बेबी बर्ड्स निकलते हैं. अ स्क्विरल टेक कीप ऑन ग्रोइंग ऑल दो इट्स लाइफ. यस, हमने अपने चैप्टर बिजी मंथ में पढ़ा था जो स्क्विरल है उसके जो टीथ है वो उसके फुल लाइफ उसकी जब तक वो जिंदा रहती है तब तक उसके टीथ जो है वो ग्रो होते रहते हैं. इट इज़ ट्रू. छोटू एंड वैशाली आर ब्रदर एंड सिस्टर. छोटू और वैशाली क्या एक दूसरे क्या दोनों भाई बहन थे? यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. हम पहले अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. अ मॉनसून क्रॉप सेल्स वेजिटेबल इन विथ हिज फादर
to dig the ground is known as samundra in Hindi. Takes vegetable from the sacks and arrange them. Water animal stitches leaves to make nest. Lays egg in another's nest and Ganga. ये हमारे options हैं और ये हमें दिया हुआ है. The sea, तो हमने अभी देखा, is known as समुद्र in हिंदी. जो सी है उसको हम हिंदी में समुद्र भी बोलते हैं. डी. नेक्स्ट द पिकैक्स. पिकैक्स जो है हमने राजूस फार्म में पढ़ा था कि उसके जो फादर है वो फार्म को डिग करने के लिए क्या यूज करते हैं, पिकैक्स. इसका टू डिग द ग्राउंड ऑप्शन सी. वीट. जो वीट है वो अ मॉनसून क्रॉप, उसे हम मॉनसून सीजन में ग्रो करते हैं. जो फार्मर्स है वो मानसून सीजन में वीट ग्रो करते हैं. ऑप्शन ए. वैशालीस एल्डर ब्रदर. वैशालीस एल्डर ब्रदर, जो वैशालीस का बड़ा भाई था, वो क्या करता था, वो उसके फादर के साथ जाके वेजिटेबल सेल करता था. तो सेल्स वेजिटेबल विथ हिज फादर. बी. नेक्स्ट अ टेलर बर्ड. तो टेलर बर्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि जो टेलर बर्ड है वो क्या करती है, दो लीव्स को अपनी बीक से स्टिच करके उन लीव्स के बीच में एग ले करती है. तो स्टिचेस लीव्स टू मेक नेस्ट. ऑप्शन जी. नेक्स्ट इज वैशालीस मदर. तो वैशाली की मदर क्या करती थी, वो टेक्स वेजिटेबल फ्रॉम द सेक्स एंड अरेंज देम. उसकी मदर जो है वो वेजिटेबल्स बोरी में से निकाल के उनको अरेंज करती थी. ऑप्शन ई. होली रिवर. तो हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में कि जो गंगा है वो एक पवित्र नदी है. ऑप्शन जी आई. नेक्स्ट अ डक. तो जो डक है वो एक वाटर एनिमल है, पानी में रहने वाला एनिमल. एफ ऑप्शन. एंड अ कुकू. तो कुकू के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर अ बिजी मंथ में. जो कुकू है, कोयल है, वो अपने एग जो है वो खुद नेस्ट बना के, नेस्ट बिल्ड करके उसमें नहीं रहती है, उसमें एग ले नहीं करती है. वो क्या करती है, क्रो के नेस्ट में जाके अपने एग्स ले करती है, वहाँ पे रखती है. और जो क्रो है वो उसे अपने एग्स समझ के उन्हें हैच करता है, उन्हें बराबर गर्मी देता है जिससे उसके अंदर से चिक्स निकल के आते हैं. इट इज़ ऑप्शन नंबर एच. इज इट क्लियर. वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.